आगरा फतेहाबाद की ग्राम पंचायत महमदपुर में राशन की नई दुकानें आवंटित होनी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान ने गांव में कोई भी राशन की नई दुकान आवंटित होने की सूचना नहीं दी है, क्योंकि वो अपने पक्ष के लोगों के नाम को दुकान आवंटित करना चाहते थे, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए और ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव का विरोध करने लगे। उसमें कोई कागज तैयार नहीं हुए हैं। अगर कागज तैयार होते या पहले से सूचना होती तो कागज तैयार कराए जाते। एक आदमी को जिसको कैंसिल कराया है उनसे मिलके, उनको ही केवल पता है, उन्हीं के एक कागज है, उनको जनता राजी नहीं है। इसलिए 10 दिन का या 15 दिन का टाइम दिया जाए, हमें हम कागज तैयार कर लेंगे। उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इनको टाइम दिया जाए और 10-15 दिन का, उसके बाद हम प्रस्ताव किए। ये किनको टाइम दिया जाए? जो पार्टी उस पर कागज नहीं है, कागज मांग रहे हैं सेक्रेटरी साहब, ठीक है ना, तो उसके उन्होंने टाइम दिया जाए। देखिए, इसमें दो उम्मीदवार थे, एक राहुल थे, एक धर्मवीर थे। दोनों के द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए उसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर से चरित्र प्रमाण पत्र जारी होना था, वो वहाँ से दोनों के द्वारा किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में प्रमाण पत्र चूँकि पूरे नहीं है तो प्रस्ताव किया जाना उचित।